वेलकम एवरीवन दोस्तों, JKSSB की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है दोस्तों। जैसा कि आप सारे जानते हैं कि JKSSB की तरफ से जितने भी पोस्ट थे हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, उन सभी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई थी। और जो पोस्ट थी, जैसे बात करें सोशल वर्कर, मेडिको सोशल वर्कर की जो पोस्ट थी दोस्तों, इनका ना तो रिजल्ट आउट हुआ था, लेकिन अब इसका रिजल्ट भी आउट हो गया है और कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। दोस्तों अगर हम इसके कंप्लीट नोटिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है। सोशल वर्कर, मेडिकल सोशल वर्कर की जो पोस्ट थी जो एडवर्टाइज हुई थी, आइटम नंबर 204 था। तो दोस्तों इसमें जो कश्मीर डिवीज़न के लिए थी, इन सारे कैंडिडेट को जिनको मींस के शॉर्टलिस्ट किया गया है, इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। इसमें नेक्स्ट डे में जिनका नाम बताया हुआ है, इनको अपनी कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लानी है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लाना है, 10th डिप्लोमा मार्क्स कार्ड, रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, 10+2 मार्कशीट चाहिए, बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। इसके बाद अदर डॉक्यूमेंट जो प्रेस्क्राइब किए गए थे क्वालिफिकेशन में कि उनकी इतनी क्वालिफिकेशन है जहाँ, फिर वो सब कुछ आपने साथ में नहीं है। तो दोस्तों इसके अलावा अगर बात करें, ये सारे कैंडिडेट हैं, जैसे ये रवीना कोसर जो है नियाजुद्दीन, EWS कैटेगरी है, तो इनकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो 14 दिसंबर से स्टार्ट है दोस्तों, 14 दिसंबर को ही सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी हर एक कैटेगरी का, RVA का, ST का, ओपन मेरिट का, EWS का, फिर इसके बाद SC कैटेगरी का भी सभी का रिजल्ट जो है वो आउट किया है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों, इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। थैंक यू।